देखिए क्लास टेंथ का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इस क्वेश्चन का मतलब क्यू कोई इंटीजर है और इसकी फॉर्म क्या होगा एवरी ऑड इंटीजर के लिए। यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, इंटीजर और एवरी ऑड इंटीजर। इसको मैं नंबर लाइन से समझाता हूँ। तो नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पे जीरो होते हैं, राइट में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे करके प्लस इनफाइनिट तक चलते हैं। लेफ्ट में क्या होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे करके माइनस इनफाइनिट तक चलते हैं। अब क्या है आपको यहाँ पे ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस थ्री को, इसके बाद माइनस वन, इसके बाद वन को लेता हूँ, फिर क्या लेता हूँ थ्री, ऐसे और भी है, मैं फिलहाल इतना लिया हूँ। ठीक, अब माइनस थ्री को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस थ्री को आप क्या लिख सकते हो, टू इंटू माइनस टू प्लस वन। देखो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, फिर माइनस वन को आप कैसे लिख सकते हो, टू इंटू माइनस वन प्लस वन। वन को आप कैसे लिख सकते हो, टू इंटू ज़ीरो प्लस वन। और थ्री को आप कैसे लिखोगे, टू इंटू वन प्लस वन। इस चारों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब में टू है तो इसलिए मैं इसको टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, तो क्यू का मान क्या हो गया, माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन। अब प्लस वन सब में है तो यहाँ पे मैं प्लस वन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे को बोला था एवरी ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, तो हमारा फॉर्म क्या बना, टू क्यू प्लस वन। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन डी है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो ऑड इंटीजर, एवरी ऑड इंटीजर के लिए। तो जैसे कि पहला आपका ऑप्शन क्या है, क्यू, तो क्यू का वैल्यू जैसे आप वन मानोगे तो क्या आ रहा है, देखिए इंटीजर तो आ रहा है, कौन सा इंटीजर, ऑड आ जा रहा है। फिर क्यू का वैल्यू टू मानोगे तो टू हो गया, तो टू आपका ऑड इंटीजर नहीं है, लेकिन हमको निकालना है ऑड इंटीजर, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन का क्या है, क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन, क्यू की वैल्यू वन रखेंगे तो क्या होगा, वन प्लस वन इक्वल्स टू टू, तो टू आपका ऑड इंटीजर नहीं है, इवन इंटीजर है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू वन मानोगे तो इस केस में भी क्या वैल्यू होने वाला है, टू, तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन सही है।